दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो और हमारे इस यूट्यूब चैनल योर एजुकेशन पार्टनर पे। दोस्तों जैसा कि अब जो अपडेट है जो कि सीटेट को लेकर है, जैसा कि बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों के विशेष शिक्षकों के लिए अब सीटेट पास करना जरूरी नहीं होगा। नियुक्ति के लिए सीटेट की अनिवार्यता को समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से सरकारी स्कूलों में दिव्यांगों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए राज्य आयुक्त की अदालत ने दिल्ली सरकार और निगम स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सीटेट की अनिवार्यता समाप्त करने के आदेश दिए हैं। इससे देश भर के उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो सीटेट नहीं होने से विशेष शिक्षक की भर्ती परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाते थे, जबकि उन्हें भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा विशेष प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पूरा किया है। आयोग ने पिछले साल सरकार और 3 निगमों को अपने स्कूल में कम से कम 2 विशेष शिक्षक नियुक्त करने का आदेश दिया था। 8 साल पहले हाईकोर्ट ने सरकार और निगमों को अपने स्कूल में 2 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करने को कहा था। दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त TD धरियाल ने शिक्षा निर्देशालय और 3 निगमों आयुक्तों से इस बारे में समुचित कदम उठाने और रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कर और निगमों को आदेश दिया है कि जब तक स्थायी नियुक्ति न हो तब तक अस्थायी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करें। जैसा कि 6,500 पद दिल्ली सरकार के स्कूलों में खाली हैं, 1,540 पद नगर निगम के स्कूलों में खाली हैं, 2,500 पद जो हैं वो सृजित करने होंगे 2-2 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार और निगमों को। जैसा कि खाली पदों को भरने के लिए DSSSB के जरिए आवेदन किए जा चुके हैं और परीक्षा जो कि अभी बाकी है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं और अपडेट्स के साथ नई वीडियो में।